हेलो एवरीवन, जॉब गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुबह हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ मार्क्स कितने गए हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर या स्टेनो ग्रेड टू के लिए, और जेएससी के लिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट का। देखिए, फाइनेंस ऑफिसर की जनरल की कट ऑफ गई 104, ओबीसी की 100, एससी की 93। ये वैकेंसीज थी नहीं, ठीक है। तो और एचएस की गई 48, बाकी ये वैकेंसीज भी थी नहीं। अब फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड टू की बात करते तो जनरल की गई 91, ओबीसी नॉन क्रिमिलर की 86, एससी की 86, ओबीसी नॉन क्रिमिलर की 87, एससी की 86 और एसटी की 79। ओएच की गई है 80, विजुअल हैंडीकेप की गई है 75, ईडब्ल्यूएस की गई 86 और एक्स सर्विसमैन की गई 58। यानी कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा एक्स सर्विसमैन को। अब बात करते हैं जेएससी की पोस्ट के लिए, यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट है, तो उसके लिए जनरल की गई है 106.2816, यह जनरल की। ओबीसी की गई है 91.093, एससी की गई है 88.5302 और एसटी की गई है 84.2313, ओएच 86.66, विजुअल हैंडीकैप 83.9843, एचएस की गई है 72.7627, ईडब्ल्यूएस की गई 90.2336 और एक्स सर्विसमैन की गई 76.9291। तो देखिए, एक्स सर्विसमैन है, अगर आपने देश की सेवा की हुई है ना, तो आपको बिल्कुल बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इस तरीके से पूरा एक कट ऑफ था, मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई। तो वीडियो को लाइक करें,